हेलो एवरीवन, वेरी गुड ज्ञान पुंज विथ यस के। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स। मैं 2021 में जितने भी इंडेक्स हैं, सब जितने भी हुए हैं, सबको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, इसमें जो है भारत का स्थान क्या है। तो यहाँ पे हम लोग शीर्ष कौन रहा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में जो है शीर्ष पे है जो स्वीडन है, और भारत का स्थान 120 है, मतलब भारत 120वें नंबर पे है। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में जो है शीर्ष पे है स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान है 43वें नंबर पे भारत है। और इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है IMD। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो है शीर्ष पे आइसलैंड है, और भारत का स्थान 135 नंबर है, मतलब भारत को इसमें 135वें नंबर पे रखा गया है। और इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे वैश्विक डाटा सूचकांक में जो है शीर्ष पे इंडोनेशिया है, इसमें फर्स्ट स्थान इंडोनेशिया को मिला है, और भारत का स्थान 14 है, मतलब 14वें नंबर पे भारत है। और इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है चैरिटी एंड फाउंडेशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, और मैंने 2021 की जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है उसको लिया है। तो यहाँ पे ये सारे परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और इसको याद कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक, इसमें जो है इसमें शीर्ष पे कौन है, तो इसमें शीर्ष पे तुर्की है, और इसमें भारत का स्थान क्या है, तो भारत 55वें नंबर पे आता है। और इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है नाइट फ्रैंक, इसको लंदन के नाइट फ्रैंक से जारी किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021, इसमें शीर्ष पे है वो है स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 67, भारत 67वें नंबर पे है। इसको जारी कौन करता है, इसके जारी करता कौन है, कोर्सेरा द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2021, तो इसमें ग्लोबल लिएबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पे ऑकलैंड है, और सेकंड पे ओसाका है, यहाँ पे शीर्ष ऑकलैंड, सेकंड ओसाका है। और इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसको जारी करने वाला है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है शीर्ष पे नॉर्वे है, और भारत का स्थान कितना है, भारत का स्थान 142 है, 142वें स्थान पे भारत है। और इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट ब्रांड्स। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में शीर्ष पे जापान है, और भारत का जो स्थान है वो 84वें है, इसको जारी करने वाला है हेनले एंड पार्टनर्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, तो इसमें जो है शीर्ष पे है फिनलैंड, और भारत का स्थान है 49वें स्थान पे भारत है। और जारी कौन करता है, जारी करता है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, इसके जारी करता है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, इसमें जो है शीर्ष पे स्वीडन है, और भारत का स्थान है 27वें नंबर पे भारत है। और इसके जारीकर्ता जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी
इंटरनेट सूचकांक 2021 समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में जो शीर्ष पे है वो स्वीडन है और भारत का स्थान क्या है 49वां है। और इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो यहाँ पे जारी करता कौन हो गया, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें भारत का स्थान कितना है 49वां है और शीर्ष पे कौन है, स्वीडन। अब हम लोग देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ये परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको और ध्यान से देख लीजिए। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में जो शीर्ष पे है वो है आइसलैंड और भारत का स्थान कौन सा है 140वां है। और इसको कौन जारी करता है, तो इसको भी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। तो यहाँ पे ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 140वां है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है शीर्ष पे है अमेरिका जो है इसमें शीर्ष पे है और भारत का स्थान 40वां है। और इसको जारी कौन करता है, तो इसके जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जो है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है और भारत का स्थान कितना है 140वां है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो शीर्ष पे कौन है, तो इसमें शीर्ष पे फिनलैंड है, मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पे फिनलैंड और भारत कौन किस स्थान पे है, तो 139वें स्थान पे, मतलब भारत 139वें स्थान पे कितना नीचे है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और यहाँ पे जारी कौन इसको करता है, तो इसको जारी करता है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन। तो इसको जारी करता है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे COVID-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021। तो इसमें जो शीर्ष पे है वो है वियतनाम और भारत का स्थान कितना है, तो 86वें स्थान पे भारत है। तो COVID-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है 86। और इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है लोवी संस्थान सिडनी का इसको जारी करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में जो है शीर्ष पे है अमेरिका और भारत का स्थान कौन सा है, चौथा। भारत इसमें किस स्थान पे है, चौथे स्थान पे। और इसके जारी करता कौन है, तो इसके जारी करता है ग्लोबल फायर पावर द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। तो इसमें जो है शीर्ष पे कौन सा है, तो इसमें शीर्ष पे मोजाम्बिक है और भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 7वां है। और इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है जर्मन वाच एनजीओ। तो जारी करता कौन है, जर्मन वाच एनजीओ और भारत का स्थान कौन सा है, तो 7वां है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। यहाँ पे क्या था, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, जिसमें भारत का स्थान कितना है 7वां। और यहाँ पे क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, इसमें जो है शीर्ष पे कौन है, स्वीडन है और भारत का स्थान इसमें कितना है, तो इसमें 10वां है। और यहाँ पे जारी कौन करता है इसको, तो इसको जारी करता है जर्मन वाच एंड क्लाइमेट एक्शन यूरोप का जर्मन वाच एंड क्लाइमेट एक्शन इसको जारी करता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को। और इसमें भारत का स्थान कितना है, तो 10वां है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव पूंजी सूचकांक 2020। तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में जो है शीर्ष पे कौन सा है, तो इसमें जो शीर्ष पे है वो है सिंगापुर। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 116वां है। और इसमें इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी विश्व बैंक करता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मानव इसका पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 116वां है। तो ये आपके 20 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इंडेक्स के, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। और 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने करवा दिया और आगे जितने भी आएंगे उसको मैं करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।